वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पाकिस्तान जो हमेशा भारत की सरजमी पर कब्जा करने के ख्वाब देखता है, सोते जागते उसे बस जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर का फितूर सवार रहता है। उसकी खुफिया एजेंसी और सेना में इतना भी गुद्दा नहीं कि भारत से सीधा मुकाबला करे, इसलिए तो कभी भाड़े के टट्टू से बम धमाके कराता है। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने सारे रास्ते बंद कर दिए, तो अब भारत को अंदरूनी चोट देने के लिए उसकी खुफिया एजेंसी देश में धर्मांतरण का रैकेट चला रहे हैं। लेकिन बुरी किस्मत कह लीजिए या भारत की अटूट ताकत, उनका ये दाव भी फेल हो गया। अभी हाल ही में ऐसे बहुत से मौलाना पकड़े गए जो देश के कोने कोने में धर्मांतरण का घिनौना धंधा चला रहे थे। बता दें कि ISI के इशारे पर चल रहे अवैध धर्मांतरण मामले में अब एक और नाम सामने आया है, और वो नाम है गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल्ला फेफड़े वाले का, जो काफी वक्त से उमर गौतम, मौलाना सिद्दीकी जैसे मौलानाओं को फंडिंग कर रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 30 साल से अमेरिका में व्यापार कर रहा फेफड़ा वाला ज्यादातर फंड हवाला के जरिए भारत में भेजता था। वडोदरा क्राइम ब्रांच की पूछताछ में मुख्य आरोपी उमर गौतम और सलाहुद्दीन ने ये राज उगले हैं। दरअसल वडोदरा पुलिस के मुताबिक अब्दुल्ला फेफड़ावाला मूल रूप से गुजरात के भरूच का रहने वाला है। वो करीब 30 साल से अमेरिका में रह रहा है। उसने अलफला नाम से चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। इसी ट्रस्ट के नाम से वो यूपी में अवैध धर्मांतरण के लिए फंड भेज रहा था। फंड के स्रोत तक पहुंचने के लिए वडोदरा पुलिस ने शनिवार को सलाहुद्दीन और उमर गौतम को रिमांड पर लिया था। दोनों से पूछताछ में जानकारी सामने आई है। पुलिस की जांच में सामने आया कि अमेरिका, ब्रिटेन और दुबई में सक्रिय अब्दुल्ला की अलफला संस्था से फंड हवाले के जरिए भेजा जाता था। यह पैसा दुबई से मुस्तफा शेख ट्रांसफर करता था। मुंबई में इमरान उर्फ राहुल और मुर्तजा रकम रिसीव करते थे। यही दोनों इस पैसे को उमर गौतम और सलाहुद्दीन तक पहुंचाते थे। तो देखा आपने कि सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में बैठे कट्टरपंथी लोग किस तरह भारत में ऐसी घिनौनी साजिश रच रहे हैं। लेकिन ये शायद भूल गए कि इनके ये सभी नापाक मंसूबे कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी इजाजत ना तो ईश्वर देता है और ना ही देश का कानून। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।